आज मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट लाइफ होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें जानकारी अच्छी अच्छी मिलती रहती हैं। जो कॉलेज लाइफ होता है, देखिए स्टूडेंट जो स्कूल लाइफ होता है वो भी अपने 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 जगह काफ़ी अच्छा होता है, जो कॉलेज लाइफ होता है वो भी अपने जगह बहुत अच्छा होता है। और कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, ये जो चीज़ें हैं ये जीवन भर याद रहती हैं लोगों को। और मैं आपको बता दूं कि भाई साहब पब्लिक में ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जब लोग टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजर आपको देखते रहें और आप उनके सामने ब्लॉगिंग करें, ये काफ़ी अपने आप में डिफ़िकल्ट काम होता है। फिर भी मैंने अपनी धड़क खोलने के लिए उन लोगों के सामने भी ब्लॉगिंग किया, वो लोग हमसे पूछ भी रहे थे, तो मैंने बताया कि मेरा ये चैनल है अमन यूपी वाला, तो लोग हमको प्रोत्साहित भी किए, प्रमोट भी किए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि जो शिक्षित हैं वो ब्लॉगिंग का मतलब जानते हैं, लोगों को चीज़ों को दिखाना, लोगों को, जो कि लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। चलिए मैं आप चलता हूँ, अब रास्ते का सफ़र आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे बैंक का कुछ काम है, यहीं पे बगल में बैंक है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय कौसाम्बी में हूँ, कौसाम्बी, यहीं से मैं बीटेक कर रहा हूँ और बीटेक का मैं फाइनल ईयर में पहुँचा हूँ। बस 6 महीना बाद हमको बीटेक की डिग्री भी मिल जाएगी। और आपको मैं कभी बताया नहीं हूँ, मैं पॉलिटेक्निक कर चुका हूँ, बीटेक चल रहा है, उसके बाद गेट देना है, गेट एग्ज़ाम देंगे, गेट अगर निकलेगा तो मैं फिर एमटेक करूँगा, नहीं तो प्रेजेंट टाइम मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि 2020 में मैंने यहाँ पे एडमिशन करवाया था डायरेक्ट लेटरल एंट्री में, पॉलिटेक्निक कंप्लीट होने के बाद आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री में एडमिशन करवा सकते हैं बीटेक में। ये आप देख सकते हैं हमारा कॉलेज है, सामने से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कॉलेज का नाम है मधुवेचस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इंजीनियरिंग भी होता है और यहाँ पे फार्मेसी भी होता है और यहाँ पे बीएड और बीटीसी भी होता है, यहाँ पे बीएड बीटीसी भी होता है। चलिए मैं आपको अंदर चल के आपको जो अलग अलग विभाग की एजुकेशन है मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कॉलेज के अंदर चल के, जो कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम। चलिए अंदर चलते हैं और आपको पूरा अच्छे से दिखाते हैं। आप अगर इधर से जाएंगे तो इधर से आपको फार्मेसी का कॉलेज मिलेगा और बीएड और बीटीसी का कॉलेज मिलेगा। हम इस समय बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक कॉलेज में जा रहे हैं, उसके बाद आपको उधर से चल के हम दिखाएंगे आपको। ये मैं आपको दिखाता हूँ जो बीटेक कॉलेज है उसको और बी फार्मा और बीएड वाले का। गाइस मैं आपको बता दूँ कि जब ये उद्घाटन था इसका, तो राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन थे जो इस समय नहीं हैं वो इसका उद्घाटन किए थे, जो कि मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ इनका। ये देखिए उद्घाटन के समय यहाँ पे आए थे। ये सारे जो इस टीचर ग्रुप्स हैं आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये कॉलेज बहुत बड़ा है, यहाँ पे कई ब्रांच चलते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और आईटी, ये सब ब्रांच से आप यहाँ पे बीटेक कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और एमटेक भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो फार्मेसी जो कॉलेज है, इन्हीं का कॉलेज है वो मधुवचस ऑफ फार्मेसी कॉलेज, जो कि मैं आपको पिछली मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसके पीछे, ये अभी अभी बना है, जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाया था तब ये नहीं था, लेकिन अभी एक साल के अंदर बना है, जो कि फार्मेसी कॉलेज है, आप पीछे देख सकते हैं। चलिए मैं आपको पीछे व्यू करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कॉलेज।
काफ़ी प्यारा लग रहा है। किसी दिन आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। और ये फार्मेसी कॉलेज हो गया, और ये जो टेक्निकल इंजीनियरिंग संबंधित है वो हो गया, और ये बीएड और इसमें बीटीसी होता है। ये एजुकेशन संबंधित इसमें पढ़ाई होती है, और इसमें इंजीनियरिंग संबंधित पढ़ाई होती है, और इसमें डॉक्टरी संबंधित पढ़ाई होती है, जो कि तीनों एक ही लोग का है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में बना हुआ है। आप ये हॉस्टल देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर एडमिशन करवाते हैं तो आप हॉस्टल भी ले के रह सकते हैं। शायद इसका जो प्राइस है मंथली 6,000 रुपये लेते हैं विथ रूम। बता दो कि फाइनली मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे हम आए थे स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए, और मेरा फॉर्म भरा चुका है। मैं सुबह 6 बजे से निकला था और यहाँ पे 10 बजे पहुँचा था, और 10 से 11 बजे के बीच में मेरा काम हो गया है और मैं घर के लिए अब चल रहा हूँ। यहाँ से घर मेरा 120 किलोमीटर की दूरी पर है,